भारतीय जनता पार्टी 17 में 17 पर जीत रही है, ये आपकी रिपोर्ट कहाँ से है मुझे जानकारी नहीं है। 17 के 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी आगे है और कई में बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी बीजेपी ने पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन किया है, जीत हासिल की है। मैं प्रदेश की जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी और उत्तर प्रदेश में हम कानून की व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। हर स्थिति में प्रदेश की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। क्या लगता है डबल इंजन की सरकार है जिसकी वजह से आज ये परिणाम जो उत्तर प्रदेश में ये जीत जो है केंद्र सरकार की नीतियों की और उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर की। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और ये सहज जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोनों उपचुनाव में भी एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल करी है। स्वार और 96 में तो आप देखते हैं कि अपना दल एस बीजेपी गठबंधन ने, मैंने पहले आपको इसी कमरे में कहा था कि बीजेपी जीतेगी दोनों सीटों पर। आजम खान का जो किला था समाजवादी पार्टी जिसको बनाया, देखिए ये कभी भी आप जब जनता को छोड़ दोगे तो हमेशा स्थिति यही आएगी। समाजवादी पार्टी ने जनता को धरातल को दोनों को छोड़ दिया है। कर्नाटक का लेकिन जो अभी रिजल्ट आया है अभी इसकी बिंदुवार समीक्षा होगी फिर कोई बताएगा। अखिलेश यादव जी ने जो कहा है मैं इसको उचित नहीं मानता, वो दुनिया भर का लंतड़ाना बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ बोले नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।